हरियाणा शारीरिक अध्यापक संघ की ओर से करनाल के लघु सचिवालय के सामने धरना दिया गया। इस धरने में शारीरिक अध्यापक संघ के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी लंबे समय से अध्यापकों की मांगे निलंबित पड़ी हैं और पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर शारीरिक अध्यापक संघ के तत्वाधान में धरने दिए जा रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा अध्यापकों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शारीरिक अध्यापक संघ को आश्वासन दिया गया था कि उनकी सेवाओं को बहाल किया जाएगा, परंतु अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा उनकी सेवाओं को बहाल नहीं किया गया है। आज यहाँ पे भाई हमारा पीटीआई का धरना है 15 जून 2020 से कंटिन्यू लगा हुआ है। 497 दिन है। आज हरियाणा सरकार ने हमारे को 1 जून 2020 से सर्विस से बाहर कर दिया था बहाना बनाकर, और उसके बाद 6 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुखिया ने हमारे को आश्वासन दिया था कि आपके घरों के चूल्हे नहीं बुझने दिए जाएंगे, और उस 6 अक्टूबर 2020 से 2021 भी चली गई और अभी तक मुख्यमंत्री साहब ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये धरना लगा हुआ है पीटीआई का, जो कि हम 2010 में भर्ती हुए थे। 10 साल की सेवा के उपरांत हरियाणा सरकार ने बिना सोचे समझे हमारे को नौकरी से बाहर कर दिया। हमारे परिवारों पर आर्थिक मानसिक दबाव है इस टाइम, हमारे परिवारों में बिल्कुल भी किसी प्रकार का जरिया नहीं जिससे कि हम अपना परिवार का जीवन यापन कर सकें, और प्रदेश के मुखिया को हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द अपना जो वादा हमारे राज्य कार्यकारिणी के साथ उन्होंने किया उसको जल्द से जल्द पूरा करें। थैंक यू। क्या नाम अपना? मेरा संदीप बलड़ी।